पांच राज्यों में चुनावी नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेसियों के चेहरे खिल उठे हैं। जीत का जश्न जहां देश भर में मनाया जा रहा है, वहीं सीएम की गृह जिला मंडी में भी कांग्रेसियों ने जीत का जश्न मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गांधी भवन से लेकर गांधी चौक पर रैली निकाली गई और कांग्रेस पार्टी व राहुल गांधी की जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कांग्रेसियों ने जमकर पटाखे फोड़े और मिठाई बांटकर जीत की खुशी को सभी के साथ साझा किया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि 5 वर्ष पहले भाजपा इन राज्यों में झूठे सपने दिखाकर जीत हासिल की थी, जिसका जवाब वहां की जनता ने इस बार के चुनावों में दिया है। उन्होंने कहा कि इन चुनावों को देश की सत्ता का सेमीफाइनल माना जाता है, जिसे कांग्रेस पार्टी ने जीत लिया है और अब फाइनल जीतने की बारी है। दीपक शर्मा ने कहा कि 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों में अब कांग्रेस पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे, जिसके बाद देश की जनता के अच्छे दिन आएंगे। दीपक शर्मा ने कांग्रेस को मिली जीत के लिए कांग्रेस हाईकमान और वहां की जनता का आभार भी जताया। ये जो हमारा अभियान था कांग्रेस पार्टी का, तो इसमें जो इन्होंने सत्ता हासिल की थी भाजपा वालों ने, इन्होंने सत्य के बिना सत्ता हथियाई थी, पर एक युगांतकारी दृष्टांत पेश करने में यह असफल रहे थे। समाज का हर वर्ग भाजपा से दुखी था, जिसमें चाहे बेरोजगार थे, चाहे युवा था, चाहे महिलाएं थी, चाहे दूसरा था किसान थे। और इसमें इन्होंने भाजपा के खिलाफ जो मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, इसके खिलाफ ये जनमत दिया, इसका हम स्वागत करते हैं। ये जैसा कि विदित है कि ये सत्ता का सेमीफाइनल था, अब जो फाइनल जो 2019 में होने जा रहा है, इसमें हमें पूरा विश्वास है इस देश की जनता के प्रति और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रति कि फिर से भारत के अच्छे दिन आएंगे और यहां पे फिर से कांग्रेस की सरकार सत्ताधीन होगी और देश हित में, जनता हित में आगे के जो भी निर्णय लिए जाएंगे कांग्रेस सरकार द्वारा लिए जाएंगे और कांग्रेस सरकार फिर से इस देश की सत्ता पे वापसी करेगी।